बारह साल में तो कुरड़ी के भी भाग जाग जे हैं और हमने 17 साल हो लिए। 14 साल तो बनवास काट के आ गए राम और भी, और मारा वेरा नहीं कितने दिन का बनवास है, कितने दिन काटना पड़ेगा। हम पक्के होना चाहो, हाँ पक्के करो, हमारा गुजारा नहीं हो रहा, हमारे बच्चे अनपढ़ बैठे हैं, हमने कोई रास्ता नहीं है, हमने पक्के करो। दस तारीख तक हमने हमारा धरना शुरू किया था और आज 23वां दिन है। हम इस 23वें दिन में भी मान लिया चले हुए हैं धरने पे, और हमारे 28 तारीख को जो सीएम साहब ने घोषणा करी है, उस 1000 की घोषणा में हम नाखुश हैं सफाई कर्मचारी। और हम कल 2 तारीख को 24 घंटे का पड़ाव किरसन मीडा के यहाँ लगाने जा रहे हैं, और हम बताना चाह रहे हैं सरकार को, या तो हमारे साथ बातचीत करो और ना हम 24 घंटे पड़ाव को और आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी मांगे, पहली मांग तो हमारी, पक्का करो हमारे सफाई कर्मचारियों को 17 साल हो चुके हैं, जो कि आज तक सरकार ने हमारे पास हमारे लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई, कोई सिस्टम नहीं बना, खाली मानदेय दे रही है सरकार। और जब तक हमने पक्का नहीं कर दे तो हमारे को 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन देना चाहिए सरकार ने, और नहीं तो हमारी हड़ताल भी और ये पड़ाव भी चलते रहेंगे जब तक सरकार हमारे से बात नहीं करेगी। हम सरकार सबको बताना चाह रहे हैं, अगर भाई जितना भी जल्दी हो सके हमारे से बातचीत करो। हम जितने भी ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं करनाल में, अमित शाह रहा, हम इसका विरोध करते हैं और इसको हमें एक ही साइड में धकेलना चाहते हैं कि हम ग्रामीण सफाई कर्मचारी सरकार से बहुत नाराज हैं। हमारे हड़ताल को आज 23वां दिन है, हम सरकार को बताना चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री ने ये 28 तारीख को वाल्मीकि दिवस पर 1000 रुपये की घोषणा करी, इससे हम नाखुश हैं, हम नाराज हैं इससे, क्योंकि काम हम इतना मेहनत का करते हैं, हमारा 8 से 5 बजे तक की ड्यूटी है और हम ये मेहनत का काम करते हैं, 1000 रुपये में गुजारा नहीं चलता। हम मुख्यमंत्री से और सरकार से बताना चाहते हैं कि हमारे 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन है, जो हाईकोर्ट का के भी आदेश है, हमें 26,000 रुपये वेतन मिलना चाहिए, या फिर सब हमें समान सफाई कर्मचारी पक्के होने चाहिए। और जैसे हमें सरपंचों की वजह वीडियो के पैरोल पे लिया जाए, और गांव के अंदर 2000 की जनसंख्या के हिसाब पे एक कर्मचारी है, शहर की जन आबादी पर 400 की आबादी पर एक कर्मचारी है। हमारी सरकार से मांग है कि हमें 400 की आबादी पर एक कर्मचारी लिया जाए। मांगों का समाधान नहीं होता क्या? जब तक मांगों का समाधान नहीं होता हम यूं ही हड़ताल पे बैठे रहेंगे, और हम बताना चाहते हैं सरकार को, हम इस समाज से हैं, दलित समाज से हैं और बहुत ही गरीब समाज से हैं, हम सरकार को कहना चाहते हैं या तो हमें सरकार हमें पक्का कर दे, नहीं तो यो गरीब रोज देगा, और जय यो गरीब रोज गया 2024 के चुनाव में इस सरकार को, बीजेपी की सरकार को धरती पर इस सत्ता से खो देगा। जी हम न्यू कहना चाहूँ, हाँ 17 साल हो गई हमने लग गया ना, 12,000 में के बना है, हम पक्के होना चाहूँ, हाँ हमने 1 महीना हो गया डरा पे बैठा ने, भूखे तिसाई बैठे हाँ, ये बनवास दे रखे हमारा, बनवास कद काटना पड़ेगा, ये कितने दिन काटना पड़ेगा, न्यू नहीं बेरा, यह सरकार धोखा कर रही हमारे साथ में, 1000 रुपये बधाए उसके, 1000 का क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनता है, हमारे बच्चा का क्यूकर पूरा पटेगा, कोई पढ़ाई नहीं लिखाई नहीं, हमें सदा या गारा ढोंदे रहेंगे, चिकड़ ढोंदे रहेंगे, हमारा कुछ नहीं है, और हमने पक्के करो, हमारी मांग यह है जी। 12 साल में तो कुरड़ी के भी भाग जाग जे हैं और हमने 17 साल हो लिए, 14 साल तो बनवास काट के आ गए राम और भी, और हमारा वेरा नहीं कितने दिन का बनवास है, कितने दिन काटना पड़ेगा। हम पक्के होना चाहो, हाँ पक्के करो, हमारा गुजारा नहीं हो रहा, हमारे बच्चे अनपढ़ बैठे हैं, हमने कोई रास्ता नहीं है, हमने पक्के करो। तड़कन हमें जी नेहरू पार्क में इकट्ठे होवांगे सारे कर्मचारी इकट्ठे होके,
और हमें मिड डे का भरना है, धरना धरेंगे दिन रात रहोगे? दिन रात धरना धरेंगे बेटा जी। वो खेत आए रात दिन दो दिन बैठा जी हम। जो ये कृष्ण बेदी आया था यहाँ DRD में, उसने नुका था तुम्हारे सफाई कर्मचारियों को मैं 26,000 वेतन करवाऊंगा, नहीं यहाँ तो पक्का करवाऊंगा। यहाँ पूरे जीन जिले के सफाई कर्मचारी जुड़ रहे थे, हम इसके निंदा करते हैं। और जो ये भाई नहीं आ रहे हैं या कौन सी एक हो जो सीताराम की उसमें पार्टी में जा रहे हैं, सभी कर्मचारियों से मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचे। और कल 2 तारीख को 24 घंटे का पड़ाव है कृष्ण मिड्डा के द्वारा, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचने का कष्ट करें सभी सफाई कर्मचारियों। धन्यवाद होगा।